और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को और ज्यादा ताकत मिले, हर वर्ग खुशहाल हो। बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2,000 रुपये हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6,000 रुपये है वो बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन वो देंगे। देखिए एग्जिट पोल ही है और उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती हो, लेकिन उससे ज़्यादा मैंडेट इस बार हरियाणा के लोग देंगे ऐसा हम सब लोगों को यकीन है। और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है, पोल ऑफ जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी 55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि पुनः वापसी कर रहा है, और जो उनका संकल्प है भारत को जोड़ने का, हरियाणा के लोगों को जोड़ने का, उनको न्याय दिलाने का, लोगों की आवाज़ उठा करके बाबा साहब के संविधान की जिस तरीके से रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, आरक्षण को जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जो 7 गारंटियां दी हैं जाति जनगणना से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को और ज़्यादा ताकत मिले, हर वर्ग खुशहाल हो, कर्मचारियों को लगातार 10 वर्ष, नौजवान, कर्मचारी, किसान, गरीब आदमी, ये तो बेचारे पिटते रहे, तो ऐसे में जो बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, और जो बात हम लोगों ने कही थी कि हाथ बदलेगा हालात, वो सार्थक होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं वही हालात बदलने के लिए पार्टी ने घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2,000 रुपये हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6,000 रुपये है वो बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन वो देंगे, MSP की गारंटी देंगे कानूनी रूप से। तो बहुत से वायदे हैं जिनको पूरा करने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया। जिस दिन आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस दिन भी कहा था कि एक एक लाइन इसकी पड़ी है, और जब ये कसौटी पर खरा उतरा है, जब हमने पूरा इसका आर्थिक तौर पर विश्लेषण कर लिया है, उसके बाद ही इसको आगे लोगों के बीच में हम लेकर के गए हैं। मैं सबका धन्यवादी हूँ, हरियाणा के सभी मतदाताओं का, 2,80,00,000 लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप जनादेश ही आएगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी थी कि भाई हम हर तरीके तिकड़म लगाएंगे, तो हर तिकड़म की काट जो है वो जनता के वोट के पास होती है, जनता ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दे दिया है।